my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Hello everyone, welcome to my channel all about cooking and travel. तो लंच वगैरह करके थोड़ी देर हमने रेस्ट लिया, फिर अभी हम निकल गए हैं रन ऑफ कच्छ के लिए, तो चलिए चलते हैं। तो ऑटो लेके अभी हम जा रहे हैं टेंट सिटी के गेट की तरफ, और जाते हुए आप देख ही सकते हैं ये एरिया कितना ह्यूज है। तो हम पहुंच गए हैं गेट की तरफ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे बस ऑटोस खड़े हैं। मतलब आप सोच ही सकते हैं कि अंदर ये एरिया कितना बड़ा होगा। तो हम पहुंच गए हैं गेट के सामने, और यहाँ से कार लेके हमें जाना है रन ऑफ कच्छ के लिए। तो एक तरफ है रिसेप्शन, और एक तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जितने भी है सभी शॉप्स है। यहाँ पे आपको हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, क्लॉथ्स, ज्वेलरीज वगैरह मिल जाएंगे। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं जो हट जैसा बना हो, ये सब भी शॉप्स है। तो हम चल पड़े रन ऑफ कच्छ के लिए, तो चलिए चलते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा जाम है यहाँ पे, लोगों की भीड़। तो अभी तो ये नवंबर का महीना है, अभी इतना भीड़ है, तो पता नहीं दिसंबर जैन में क्या होता होगा। अभी बहुत ज्यादा जाम है यहाँ पे, और ये है बॉर्डर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है, फिर हम जा सकते हैं आगे की तरफ। बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी यहाँ पे हमें चेक नहीं किया, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। आई थिंक चेकिंग तो जरूरी है, वो होना ही चाहिए। और देखते ही देखते आप देख सकते हैं हम रन की तरफ जा रहे हैं। मॉनसून के टाइम पे ये समुंदर बन जाता है, और अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही डेजर्ट बन चुका है। तो बहुत ही अमेजिंग चीज है, मतलब अगर आप नहीं आए हैं रन ऑफ कच्छ तो आपको एक बार जरूर आके ये एक्सपीरियंस तो करना ही चाहिए। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, और हम पहुंच गए हैं रन ऑफ कच्छ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फन एक्टिविटीज चल रहे हैं, जो कि लोग यहाँ पे मजा ले रहे हैं। और होने वाला है सनसेट, जो कि देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें अभी तक यहाँ पे व्हाइट सॉल देखने को नहीं मिला। फिलहाल हम उसी की खोज में हैं, तो चलिए चलते हैं आगे। और मुझे बहुत दूर बहुत ही वाइट वाइट सा कुछ दिख रहा है, मुझे लगता है थोड़ा आगे जाने पे हमें वाइट सॉल दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि नहीं पता नहीं, हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे दिख रहा है वाइट सॉल। तो यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हैं एक मोटा सा लेयर सॉल्ट का,
हाँ, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, और हम जितना आगे जा रहे हैं ना उतना ज्यादा हमें सॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी नवंबर का मंथ है तो स्टिल नीचे अभी थोड़ा गीला गीला है, तो पाव फंसने का थोड़ा डर है, तो बहुत संभल के हमें पाव रखना पड़ रहा है क्योंकि नीचे बहुत ही ज्यादा दलदल जैसा है किसी किसी जगह में, तो अभी तक कम्प्लीटली ये ड्राई नहीं हुआ है। तो आई थिंक दिसंबर के टाइम पे ये कम्प्लीटली ड्राई रहता है, और अभी शायद आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे वाइट सॉल्ट, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब दूर से देखने से ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे स्नो है, बट ये स्नो नहीं है, ये वाइट सॉल्ट है। ये बहुत ही एक अनोखा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप रन ऑफ कच्छ नहीं आए हैं तो आपको एक बार ज़रूर आके ये एक्सपीरियंस करना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा गीला है नीचे, आपको देख के पता ही चल रहा होगा, अभी तक कम्प्लीटली ये ड्राई नहीं हुआ है। तो रन ऑफ कच का जो फेस्टिवल है वो जैन तक कंटिन्यू रहता है, तो अगर आप आने के लिए सोच रहे हैं तो आप बुक करके आ सकते हैं। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर हम थोड़ा और आगे जाए तो और ज़्यादा हमें मोटा लेयर देखने को मिलेगा सॉल्ट का, बट हम सोच रहे हैं और आगे ना जाए क्योंकि पता नहीं कितना दलदल हो या कम्प्लीटली पानी ड्राई हुआ है कि नहीं, तो इतना ज़्यादा रिस्क लेना भी सही नहीं होगा। तो आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा जूम कर लिया है, आप देख सकते हैं पूरा आपको दिख रहा होगा वाइट सॉल्ट हर जगह, वाइट सॉल्ट ही वाइट सॉल्ट। तो देखते ही देखते अभी सनसेट हो चुका है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और अभी हम बैक करेंगे। तो आप एक बार सामने से देख लीजिए, यहाँ का नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हो गया हमारा रन ऑफ कच्छ देखना, और सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं एक्टिविटीज, और जाम आप देख सकते हैं कितना ज्यादा जाम है रास्ते में। और यहाँ पे हम टेंट सिटी के सामने खाने पीने का बहुत सारा स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे हम रुक गए हैं थोड़ा चाय वाय पीने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊँट की सवारी, जो लोग यहाँ पे फोटो वोटो ले रहे हैं, और हमने ले लिया गर्मा गर्म चाय। और चाय के साथ यहाँ पे आ गया है मिक्स्ड भजिया। तो अभी हम एंजॉय कर रहे हैं मिर्ची भजिया। तो चाय और भजिया एंजॉय करने के बाद हम आ गए हैं अभी टेंट सिटी की तरफ। तो अभी लाइटिंग वगैरह जलने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, अंदर का नजारा आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पे चल रहा है नाच गाना, सब लोग बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे जितने भी शॉप से थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिला लेने के लिए क्योंकि इस तरह के ड्रेसेस मैं पहनती नहीं हूँ, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया यहाँ से। और मैं अभी आ गई हूँ अपोजिट की तरफ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे कलरफुल अम्ब्रेलास, फिर होम डेकोर के बहुत सारे आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे।
तो घूमना फिरना हो गया हमारा और अभी हम जा रहे हैं रूम की तरफ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक के बाद एक व्हीकल्स आ रहे हैं, आपको यहाँ से लेके वो लोग रूम तक ड्रॉप करेंगे, लेकिन हमें एक भी व्हीकल खाली नहीं मिल रहा है। सो हम वेट कर रहे हैं कि कब एक व्हीकल हमें मिले और हम रूम तक जाए। तो ये भी हमें नहीं मिला, कम्प्लीटली फुल था। तो आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, और फाइनली हमें मिल गया एक व्हीकल और अभी हम जा रहे हैं रूम की तरफ। और रात का नज़ारा कुछ इस तरह से है टेंट सिटी का। आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक सिर्फ टेंट ही टेंट आपको दिखेंगे। और यहाँ पे अभी कुछ देर के बाद प्रोग्राम भी स्टार्ट होने वाला है और हम जा रहे हैं अभी डिनर के लिए रेस्टोरेंट की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनर लग गया है और यहाँ पे बन रहा है गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध। तो डिनर हमने ले लिया है। तो हो गया डिनर वगैरह, तो अभी हो गया मॉर्निंग और हम चेकआउट करके अभी निकल रहे हैं टेंट सिटी से। तो पहले हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट होने के बाद आप देख सकते हैं हम निकल गए हैं और लगेज वगैरह हमने कलेक्ट कर लिया और हम अभी निकल गए हैं टेंट सिटी से जाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को मैं करती हूँ यहाँ पे एंड। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर लेना है, ऐसे करने से मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके पास आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।